जब आप बात करते हैं और इंसानियत की बात करते हैं तो आप ये एक जर्नी है। वाइल्ला मैं नहीं समझता कि शायद कोई ऐसा मजहब हो जो कहे कि जुल्म करो, करतो वारत करो या एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ। ये वजह यही है, नीम मुल्ला खतरे ईमान और नीम हकीम खतरे जान। जरूरत है कि हम एक दूसरे की सोचों में आए और मिलकर चर्चिस में, मंदिर में, मसाजिद में जितने भी हैं बैठकर खुदा की हजूरी में दुआ भी करें और इन सब मसाइल पर गौर करते हुए अच्छी तालीम जो है, जो अमन का पैगाम जो यहाँ से मैं सीखता हूँ कि हमें अमन मिल सकता है और हम कर सकते हैं। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। करो करो करो, ये आपकी दिल की आवाज कहनी चाहिए, चाहे आपको अपने मजहब से जो बता रही है चीजें, फिर सोसाइटी में जो आप माशरा देख रहे हैं। कि बहुत सारी चीजों पे पर्दा रखा जाता है, हमने गुनाहों को नीचे रखा है। तमाम मजहब के लोग यहाँ पे हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो हमें आप ये सब हासिल करके जाना चाहिए। जैसा कि हजूर पाक पे एक बहुत थोड़ा फैमिली थी और वो की इजाजत तो गए, क्या हम वो काम कर सकते हैं या हम सिर्फ उनकी बातों को याद रखते हैं? याद तो रखें लेकिन हम अमले तौर पर भी उनके कहे हुए बातों पर चलने की कोशिश करें। तो मैं ये कहूँगी तमाम मजहब के लोग यहाँ पे करते हैं, हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए राम रहीम ते मौला की समझ लिया ते रोला की। मतलब आप लोगों ने जिस तरीके से मुल्तान में ये मतलब सारा काम किया और शकुंतला का तो प्रैक्टिकल मतलब जितना मुसलमान भाइयों ने जाके एक मदर बचाने के लिए हाई कोर्ट के अंदर रिट मुसलमानों ने की, मतलब वो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ताकत देती हैं कि नहीं इस अभी हमारे माशरे में जान बाकी है कि हम हैं भाई हैं, हम मिलकर ये देखो जिंदगी बसर करने की हमारे अंदर सलाहियत मौजूद है। हम मिलकर किस मोहब्बत के साथ अपनी बहन भाइयों की तरह, अच्छे हमसायों की तरह। आप मौके के लिहाज से जूती लेते हैं, अगर यही जूती आपने माउंटेन्स पर जाना होए जहाँ इतनी बर्फ होएगी तो आप उस तरह की जूती नहीं पहन सकेंगे क्योंकि वो काम नहीं देगी, वो इतनी मोटी वाली, वहाँ इतनी सर्दी होएगी और इतनी बर्फ होएगी, आपको खास किस्म की जूती लेनी होगी। मौके के लिहाज से भी आप जब देखेंगे, कभी कभी आप बहुत जब बाजार में बहुत आपको पता है चलना जाना या फ्लड्स आए हुए हैं या तूफान आया हुआ है, बारिशें हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि ज़रा पुरानी वाली जूती पहन जाए ना, नहीं तो जो नई आपने अभी खरीदी होएगी तो वो तो खराब हो जाएगी ना। तो अपना सोच समझ कर प्लान के साथ, जब हम पीस की भी बात करेंगे, हक की बात करेंगे, तो प्लानिंग के साथ, कुछ स्टडी के साथ, कुछ अपने अंदर, और रिस्क हम ले सकते हैं अगर हम अपने, और हमने अपने आप को खोलना होता है। क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता था मैं तमाम मजाहब के से तलावत करवाता था और बहुत से लोगों ने इस बात पे अतराज किया कि हिंदू क्यों कर रहे हैं तलावत या क्रिश्चियन क्यों कर रहे हैं, सिर्फ ये हक सिर्फ मुसलमानों को क्योंकि ये हमारा मुल्क है। लेकिन अब शुक्र है खुदा कि ये फजा बेहतर हुई है, लेकिन काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कमी है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लोग मंदिर में आना तो पसंद करते हैं, चर्चेज में आकर प्रोग्राम करना पसंद करते हैं, लेकिन जब मस्जिद की बात आती है उस वक्त वो इजाज़त नहीं देते कि मस्जिद में कोई प्रोग्राम किया। मेरी नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं, मजहब और कायद हर इंसान का जाती है। अपनी जात से मैंने हमने सवाल किया, सब ने मेरे ग्रुप दो ने अपनी जात से, यदि कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ उन्होंने बताया था कि अपने अंदर जो तासर था उसको क्या है, तो हमने मुख्तलिफ राय के साथ, ये हमारा अपनी अपनी राय है, पहले है दौलत है, इल्म है, नसब है, इज्जत है, गुर्बत है, लासानी है,
गरूर और तकबर है, उनल है और फिर हुसन है, लबास है और पौधा है। इस वक्त जो जहाद करने की जरूरत है वो हमें अपने साथ करने की जरूरत है, हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सोशलिस्ट यानी कि रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है, इत्तेहाम करना है, बीमारों की जाना है वगैरह, वो नहीं करना कि अगर किसी के पास ज्यादा दौलत है व्हाटएवर व्हाटएवर। कुछ कल्चरल रिलीजियस जो ट्रेनिंग का 3 रोज़ा प्रोग्राम था इसमें तो बहुत कुछ हासिल हुआ है, आपस में खुल कर बात करने का मौका मिला है, सुनने सुनाने का मौका मिला है, समझने समझाने का मौका मिला है और अमली तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर एक दूसरे के करीब हुए हैं। जो गलत फहमियाँ थीं या किसी किस्म की जितनी दूरियाँ थीं वो उन दूरियों से हट कर हम बहुत करीब हुए हैं और इसमें NCA के और IRC के दोस्तों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और हमें बहुत खुशी हुई है। फ्यूचर में हमारा बिल्कुल इस प्लेटफार्म पर आकर मजबूत हमारे जो सोच है इस हवाले से, हमारा जो नज़रिया है मज़ीद मजबूत हुआ है कि हम इस पैगाम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हमारी कोशिश होगी या जो कुछ भी तवानाई हम से इस्तेमाल हो सकेगी हम इस्तेमाल करके हम इस पैगाम को जितना मुमकिन हो सकेगा दूर दूर तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। ये जो बैनुल मज़ाहिब जो दूरियां हैं, जो नफ़रतें हैं वो मोहब्बतों में बदलेंगी, आपस में एक दूसरे को समझने के मौके मिलते रहे तो बहुत ज़्यादा करीब होंगे एक दूसरे के। और ये सारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा इंशाल्लाह जो प्रोग्राम का के लिए बोतल मंगवाएं। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप है, खूबसूरत इन द सेंस के ये एक स्पेस दी गई जहाँ पर लोग इकट्ठे मिलकर बैठकर डिस्कस कर सकते हैं और टुगेदर प्लान्स बना सकते हैं ऑन पीस, ऑन हाउ टू प्रमोट ह्यूमैनिटी। और अगर ये चीज़ें ना हो, ये स्पेस ना दी जाए तो फिर हमेशा दूरियाँ रहेंगी। वही बातें हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये दूसरा भी प्रोग्राम आप लोगों के साथ शुरू किया। इस दफ़ा हमने एक प्रैक्टिशनर गाइड बनानी है। प्रैक्टिशनर गाइड का क्या मतलब है? प्रैक्टिशनर बुक कि जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी चीज़ें लेके वही खुद हमें बताए, हम नहीं बताएं, वही बताएं कि यार ये प्रैक्टिस हो सकता है कि जी क्रिसमस के ऊपर मुसलमान सारे मिलके चर्च में जाके उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें, ईद पे सारे क्रिश्चियन और हिंदू मिलके आके मुसलमानों के साथ सेलिब्रेट करें, ठीक है ना, और इसी तरह दिवाली पे सारे मुसलमान और क्रिश्चियंस मिलके हिंदुओं के साथ सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सभी पर सलाम के लिए